पर डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। दिल्ली के एक अस्पताल में ऐसा ही कुछ हुआ है। दरअसल 12 घंटे की सर्जरी के बाद एक शख्स को नया जीवन मिल गया जो जिंदगी से ना उम्मीद था। उस शख्स को डॉक्टर्स ने नई उम्मीद दे दी है। अब वो पहले की तरह अपने हाथ की कलाकारी दिखा पाएगा। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। पुरुष का शरीर महिला के हाथ। 12 घंटे की मेहनत फिर हुआ चमत्कार। दुनिया का पहला डबल हैंड ट्रांसप्लांट अब फिर दिखाएगा हाथ की कलाकारी। मेडिकल साइंस में चमत्कार होते रहते हैं। मौत के मुंह में जाते लोगों को डॉक्टर नया जीवन देते हैं। कुछ ऐसा ही दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स ने कर दिखाया। डॉक्टर्स ने एक शख्स के हाथों का ट्रांसप्लांट किया है। एक हादसे में इस शख्स ने अपने दोनों ही हाथ खो दिए थे। सर्जरी कर डॉक्टर्स ने एक महिला के हाथ इस मरीज को लगा दिए हैं। नहीं, टफ नहीं था बेसिकली, क्योंकि हम लोग क्या है कि रीप्लांट जो जिन लोगों के हाथ वगैरह कट जाते थे उनको हम पहले से भी जोड़ रहे हैं उन्हीं के हाथों को, तो हमारे लिए टफ नहीं था। पर हमारे लिए टफ ये था कि क्योंकि ये जो ट्रांसप्लांट है ये हमने पहली बार किया था, तो इसलिए उसमें प्लानिंग और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, क्योंकि दूसरे का हाथ निकालना, फिर उसको उस लेवल पे हम उस सारी स्ट्रक्चर्स को देखना और फिर जिसके लगाना है उसकी स्ट्रक्चर को देखना और टाइम को मिलाकर के सारी स्ट्रक्चर को जोड़ना, वो एक टाइम का एक है। तो हमारे पास बहुत अच्छी बहुत एक्सपर्ट टीम है हमारे डॉक्टर्स की। जो पेशे से पेंटर इस शख्स के साथ साल 2020 में एक हादसा हो गया जिसमें उसने अपने दोनों हाथ खो दिए। हाथ नहीं होने के बाद उसके बाद जिंदगी से उसे कोई उम्मीद नहीं बची थी। मैम 2020 में जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक रेलवे ट्रैक पे हुआ था। वो क्रॉसिंग के टाइम पे उनको इस चीज का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से वो उनके हाथ दोनों चले गए। लेकिन कहते हैं ना, चमत्कार कब हो जाए पता नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हुआ। ब्रेन हैमरेज की शिकार एक महिला की मौत हो गई थी। महिला ने अंगदान की शपथ ली हुई थी। उसकी शपथ इस शख्स के लिए वरदान बन गई। महिला के हाथों ने पेंटर के सपनों को एक नई उम्मीद दे दी है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लगता है शायद हमारे बीच में आप ही आ गई हैं, वो हमें ब्लेसिंग देने के लिए भी। और वो बहुत वर्क हार्ड थी, बहुत मेहनत करती थी, सब में रंग भर के गई है। हालांकि ये डॉक्टर्स की टीम की मेहनत के बिना मुमकिन नहीं हो पाता जिन्होंने इस सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा किया। डॉक्टर्स को सर्जरी करने में 12 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। साहस की एक शानदार कहानी है और मानवता का एक उदाहरण भी है। वो बेहतर जीवन जीने की सारी उम्मीदें खो चुका था लेकिन हाथों के सफल ट्रांसप्लांट के बाद अब वो पूरी तरह से रिकवर हो गया है। डॉक्टर्स की कड़ी मेहनत से ही ये मुमकिन हो पाया है। चैलेंज बहुत ज्यादा था क्योंकि डोनर मिलना, परमिशन लेना, लेकिन ये अपने आप में एक करिश्मा है। सिर्फ सर्जरी ही करिश्मा नहीं है, पर जिस तरीके से डोनर मिल गया और उसके बाद जो है रास्ते बनते गए, परमिशन मिल गई और सबसे बड़ी जो डोनेशन में बहुत दिक्कत आती है वो भी हो गई। कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली। इन दिनों बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और ऐसे में आपने नकल की खबरें तो अक्सर सुनी ही होंगी, लेकिन शायद आपने नकल करते हुए किसी को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। नकल करने की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे सिर्फ परीक्षा में पास हो जाने के लिए नकल की जाती है। नकल की जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए। बोर्ड परीक्षाओं में पास होने के लिए नकल किस तरह की जाती है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरों को देखिए और समझिए ये क्या है। नकल के लिए कैसे लोग दीवार पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कोई और नहीं परीक्षा देने वाले बच्चों के परिजन और साथी बताए जा रहे हैं। खिड़कियों से लटक कर नकल कराई जा रही है। नकल के लिए पर्चियां फेंकी गई। वीडियो हरियाणा के नूह जिले का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इतना बड़ा कारनामा हो गया और प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं गया। एग्जाम में सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। नकल का खुलेआम खेल चल रहा था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं पहुंची। सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए ये सब किए जा रहे हैं। उधर शिवपुर में नकल कराने वाले शिक्षकों पर गाजगिरी। जिला शिक्षा अधिकारी ने 8 शिक्षकों को निलंबित कर दिया।
साथ ही अतिथि शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी। बताया जा रहा है कि शिक्षक पांचवी और आठवीं बोर्ड परीक्षाएं की स्कूल के बाहर नकल की पर्चियां बना रहा था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।